हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के विवाह से जुड़ा है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था, इसलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई माँ नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माता से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की इच्छा जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नज़रों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा जी से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मन के नाम से जाना गया। बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित है। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं, साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी किए जाते हैं।